ज्ञान में रुचि रखते हैं। देश के जिंदा दो परमवीर चक्र विजेता हैं योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय कुमार। इस अपने कार्यक्रम में जिनके सीने पर 26 गोलियां लगी कारगिल के युद्ध में और जिन्होंने 327 पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारा, वो सूबेदार संजय कुमार अपने इस कार्यक्रम में थार के वीर में मुख्य अतिथि रहेंगे। साथ ही लश्कर ए तोयबा के कमांडर को आमने सामने की लड़ाई में मारने वाले जिनके सीने में 16 गोलियां लगी अनुराग पूनिया, बिहार के रहने वाले डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ के, वो उस कार्यक्रम के अध्यक्ष रहेंगे। बहनों की संख्या भी ज्यादा है। पिछली बार हमने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बहन को बुलाया था उस कार्यक्रम में मातृशक्ति की उपस्थिति के लिए। इस बार भारत की एकमात्र ऐसी महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है और 3 बार जो परेड होती है स्वतंत्रता दिवस की और गणतंत्र दिवस की, उसका लगातार 3 सालों तक उन्होंने नेतृत्व किया, मेजर दीपिका राठौड़ जो डीडवाना नागौर की रहने वाली है, वो भी इस कार्यक्रम में रहेगी। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। कार्यक्रम के मार्गदर्शक आदरणीय बाल सिंह जी राठौड़ निजी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष आपको आमंत्रित करने आए हैं और मैं धन्यवाद देता हूं 22 कोचिंग क्लासेस का कि उन्होंने सुबह की क्लास में भी हमें प्रतिबद्ध किया और आज भी कहा भी शहीद परिवार, जितने भी बाड़मेर के शहीद परिवार हैं, 45 शहीद परिवार बाड़मेर के हैं, आर्मी एयरफोर्स बीएसएफ पुलिस और रेलवे के, उन 45 शहीद परिवारों के लिए 3 पीढ़ियों तक अगर शहीद परिवार का कोई बच्चा 22 कोचिंग में पढ़ेगा तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट उस बच्चों को पढ़ेगा। इसलिए आप सभी का, हम सभी का ये फर्ज बनता है कि साल के 365 दिन में से 2 घंटे हम बाड़मेर के शहीद परिवारों के लिए निकालें। और जो हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जब अमिताभ बच्चन, टाइगर श्रॉफ, शैलेश लोढ़ा, नाना पाटेकर, धर्मेंद्र जैसे लोग बाड़मेर के ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए समय दे सकते हैं, तो 2 घंटे का समय हम 29 तारीख को 4 बजे आदर्श स्टेडियम में हम लोग आए। हमने 22,000 कुर्सियों की व्यवस्था करी है वहां पे, सबके पीने के पानी के इंतजाम किया है। आप सभी लोग आए और बाड़मेर के शहीद परिवारों और सैनिकों का हौसला अफजाई करें। आप सभी को हमने आमंत्रित किया और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ उस कार्यक्रम में पहुंचकर बाड़मेर के शहीद परिवारों के प्रति अपनी सच्ची हमदर्दी दिखाएंगे। ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।